Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about the comparison between John plate and convex lens. John plate का meaning John plate या जिसको हम John पट्टिका कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं John पट्टिका. Okay, और जो convex lens होता है जिसको हम कहते हैं उत्तल lens. ये कौन सा lens होता है? उत्तल lens होता है. तो इन दोनों का हम comparison कर रहे हैं. तो जॉन प्लेट क्या होती है, इसका वर्किंग सिस्टम, इसकी फोकल लेंथ या फिर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो ये सारा हमने फ्रेनल थ्योरी में डिस्कस किया है. उसका वीडियो जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसके हमने 3 पार्ट में उस वीडियो को कंप्लीट किया है और बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको जॉन प्लेट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपको इन 3 वीडियो में. ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनके जो कंपैरिजन है यहाँ पे. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि द फोकल लेंथ, सबसे पहले हम फोकल लेंथ पे बेस पे करते हैं. देखो तो फोकल लेंथ जो होती है, इनका जो फॉर्मूला जो होता है फोकल लेंथ का, वो यहाँ पे 2 फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज करते हैं. द फोकल लेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यहाँ पे इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फोकल लेंथ जो होती है वो यहाँ पे, एक तो ये फॉर्मूला होता है 1/a + 1/b is equal to n lambda upon rn square, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं f is equal to rn square upon n lambda. इसी को हम जो है इसका proportional लेते हैं, ये 1/f के equal होता है. So इन 2 फॉर्मूले से यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं. ओके, सेकेंड यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में. हमारे पास में अगर बात करते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसा कि लेंस फॉर्मूला जो होता है, That is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. यही होता है लेंस फॉर्मूला, जिससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड किसी कह सकते हैं जो स्फेरिकल सरफेस होता है, उसके लिए जो वैसे जो कॉन्वेक्स है वो क्या है, एक तरह का स्फेरिकल सरफेस ही तो है. तो यहाँ पे हम अदर की बात करते हैं कि अदर जो इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये होता है 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है, जो कि जो आपके पास में एक जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसके लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. अब हम इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हम आगे के 2 या 3 डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम देखें कि फोकल लेंथ यहाँ पे देखें किस पे डिपेंड कर रही है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है. सेकेंड उस पर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी लैम्डा पे डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जोन्स. एक तो यहाँ पे क्या हो रही है, n मीन्स नंबर ऑफ जोन्स, यहाँ पे कितने जोन है उसमें, एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वो उसकी लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पे आप देखें तो हम क्या लिखेंगे, द फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जोन, एंड सेकंड क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिस लाइट को हम उस पर डाल रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है. देख सकते हैं फॉर्मूले से, मैंने कहा था डिफरेंस लिखेंगे, तो फॉर्मूले से पहला आ गया एन, एन मीन्स नंबर ऑफ जोन्स, लैम्डा क्या हो जाएगा, उसके वेवलेंथ हो जाएगी. अब अगर यहाँ पे बात करते हैं इसका सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे, सेकंड यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे वो डिपेंड कर रही है. ओके, अब ये तो आ गया इस फॉर्मूले से इसका, यहां पे हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस हमने फाइंड किया. एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि जो आप जो जोन प्लेट होती है, जोन प्लेट में एक सिंगल वेवलेंथ के लिए बहुत सारे आपके पास में फोकस पॉइंट हो सकते हैं. कैसे हो सकता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी तो यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं, द जोन हैज नंबर ऑफ
द जोन एज नंबर ऑफ फोकल पॉइंट फॉर अ सिंगल वेवलेंथ. एक सिंगल वेवलेंथ के लिए उसके पास में उसमें बहुत सारे फोकल लेंथ हो सकती है. अब कैसे हो सकती है, देखो जोन प्लेट जो होती है उसमें क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, वो डार्क सॉरी अल्टरनेट उसमें क्या होता है, एक इंक से पोस्टेड होती है, इस टाइप से होता है. तो मैं ऐसा लेट कर रहा हूं कि नेगेटिव है इट में सॉरी पॉजिटिव है, इट मीन्स उसमें से क्या होगा, वन एंड थ्री यानी कि ऑड नंबर में से लाइट जो होगी वो कैसी होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, इट मीन्स लाइट वहां पे रुकेगी. ओके तो यहां से क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो क्या हो रही है, अब इसके लिए यहां से लाइट जाएगी नहीं, फिर यहां से लाइट जाएगी तो ये यहां पे फोकस हो रहा है. सेकंड यहां से जो है इसमें लैम्डा बाय टू अगर हम ऐड भी करते हैं तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो कहीं इससे थोड़ा दूर होगा. तो इस टाइप से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि इसमें जो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग हो सकती है. ओके फोकल लेंथ अलग अलग महीनों का मतलब ये हो गया कि फोकल पॉइंट जो होंगे वो एक सिंगल वेवलेंथ के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ हो सकता है, इट कैन बी. ओके बट यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैज ओनली वन फोकल लेंथ फॉर सिंगल वेव. ओके ये चीज आप ध्यान रखें, सो दिस इज द इंपोर्टेंट. ओके तो यहां पर ध्यान रखें, द कॉन्वेक्स लेंस हैज ओनली वन फोकल लेंथ फोकल पॉइंट फॉर अ सिंगल वेवलेंथ. एक सिंगल वेवलेंथ के लिए इसमें एक सेम पॉइंट होगा, वही पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा. ओके फोर्थ हम यहां से बात करते हैं डिफरेंस की, द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर. यहां पे जॉन पट्टी जो होती है, जॉन प्लेट जो होती है, उसमें ध्यान रखना कि द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज स्मॉल एंड वायलेट इज हाई. जो फोकल लेंथ है रेड कलर की इस वाले पट्टी में, जॉन प्लेट में रेड कलर की फोकल लेंथ जो है वो कम होगी, वायलेट यानी कि जो बैंगनी कलर है उसकी ज्यादा होगी. सिमिलरली इसमें उल्टा हो जाएगा. फोर्थ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके लिए, फोर्थ सिमिलरली क्या हो जाएगा, रेड के लिए यहाँ पे फोकल लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, रेड का फोकल लेंथ जो होगा, रेड के लिए फोकल लेंथ यहाँ पे हाई होगा और वायलेट के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, लो होगा. तो ये यहाँ पे इसके कुछ इंपोर्टेंट जो डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. तो बेसिकली इनके फॉर्मूले याद रखें, आप फॉर्मूलों से आप दो डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं. सेकंड नंबर ये जो इंपोर्टेंट है कि जॉन हैव नंबर ऑफ फोकल लेंथ फॉर सिंगल वेवलेंथ, बट कॉन्वेक्स हैज द ओनली वन फोकल लेंथ फॉर अ सिंगल वेवलेंथ. तो इस टाइप से ये इसका इंपोर्टेंट डिफरेंस था, जॉन पट्टी का और उत्तल लेंस में हमने डिफरेंस पढ़े. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths.